अस्सलाम वालेकुम आकाश, आकाश भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? मैं निकाश अहमद बात कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया से। निकाश अहमद सऊदी अरब से कॉल कर रहे हैं। बताएं क्या है, क्या है सिचुएशन, क्या मसला है? सर, मैं कनाडा के लिए ना वर्क वीजा अप्लाई करना चाहता हूँ। थोड़ी आवाज थोड़ी खुल के बोलें जरा। आई एम सॉरी, कनाडा के लिए वर्क वीजा अप्लाई करना चाहते हैं? जी सर, जी, तो मेरे से क्या आपकी गुजारिश है, क्या मेरे से क्या है आपका रब्ता, किस पर्पस के लिए हुआ? मैं तो वर्क वीजा देता नहीं भाई। सर मैं ना इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ आपसे थोड़ी सी। मेरे पास इंफॉर्मेशन तो कुछ है नहीं। आप कैनेडियन एम्बेसी है वहां पर सऊदी में, वहां उनके पास आपने कांटेक्ट किया उन्हें? नहीं सर, मैं ना कुछ वीडियोस देख रहा हूँ आपकी ना काफी दिनों से, तो मैंने सोचा आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए तो। बोले, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ। बताएं क्या क्या आपको सवाल क्या है मेरे से? सर मैं वीजा अप्लाई करना चाहता हूँ, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए पहले जरूरी जो है ना। मैं फोर्कलिफ्टर ऑपरेटर के लिए वीजा अप्लाई करना चाहता हूँ। आपके पास जॉब जॉब ऑफर है, नौकरी है आपके पास? नौकरी अभी तक तो नहीं है। तो नौकरी के बिना कैसे, कौन सी एप्लीकेशन भर दोगे? नौकरी तो पहले ले लो कनाडा से। सर वही मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, कनाडा से नौकरी लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी फोर्कलिफ्टर ऑपरेटर के लिए। सर जी, मेरे को मालूम नहीं है इसके बारे में, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आप पहले किसी एम्प्लॉयर से रब्ता करें कनाडा में, उनसे उनसे पूछें कि उनके पास जॉब खाली है कि नहीं है, और जब उनका जॉब है तो वो आपका इंटरव्यू लेंगे, आपका टेस्टिंग लेंगे, फिर आपको बताएंगे। चलो ठीक है, और कोई सवाल आपके, कोई? नहीं सर और तो कोई नहीं है। सर आपको जॉब पहले लेनी है कनाडा की कंपनी से, किसी एजेंट से, वकील से, ब्रोकर से, दलाल से, कंसल्टेंट से नहीं लेनी। जी, तो कैनेडियन कंपनी जिसके पास नौकरी खाली है उसकी तलाश करें, गूगल पे तलाश करें, देखें कहीं पर भी जहां मिलती है उस वो है आपका असली, वहां पर वहां से आपके काम बनेंगे। बीच में किसी भी मिडल एजेंट से बात करने का कोई फायदा नहीं। चलें ठीक है, पहले जॉब की तलाश करें, फिर उधर से जॉब मिलेगी फिर वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। जाहिर है, जॉब मिलेगी तभी कोई वीजा अप्लाई होगा, जॉब के बगैर तो वीजा अप्लाई होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। चलें ठीक है, वैसे इधर से आसानी से हो जाता है ना सऊदीया से उधर। सर जी, मेरे को मालूम नहीं है भाई। आप पहले जॉब लेकर आए मेरे पास, फिर हम बात कर पाएंगे। अदरवाइज जब तक जॉब नहीं है, इसके बारे में बात करना बहुत ही मुश्किल है कि आसानी से वीजा लगेगा नहीं लगेगा, ये सब तो बातें। जब कागज आएगा जॉब का, तब कुछ उस पर रोशनी डाली जाएगी कि भाई हाँ, भी अब वीजा लगेगा नहीं लगेगा। चलो ठीक, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पाकिस्तान अच्छा, यहाँ पर कितने साल हो गए काम करते हुए? से, मुझे इधर हो गए तीन कितने साल? तीन साल, तीन 3 ईयर। अच्छा, तो यहाँ पर बात जम नहीं रही क्या, क्या वजह है यहाँ पर? नहीं यहाँ पे भी ठीक है काम, लेकिन मुझे कनाडा जाना है ना, शौक है मेरा। आपका अभी कनाडा गए नहीं, आपका शौक कैसे पैदा हो गया कनाडा जाने का? बस ये देख लें, मुझे जी जो ना शौक है कनाडा में काम करने का ना। जी नहीं, आप अभी तो कनाडा कभी गए नहीं, शौक कैसे पैदा हो गया? कभी तो कनाडा के बारे में आपको इतनी मालूमात नहीं है, ना कभी गए हैं। शौक तो उस चीज का होता है जिसको आप चीज पहले एक बार भर चुके हैं, भी हाँ जी शौक है, मेरे को पसंद आ रहा है। अभी तो कनाडा गए नहीं, आपके लिए कनाडा भी बराबर है, अमेरिका भी बराबर है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब बराबर है, तो कनाडा को कैसे आपने इंतखाब कर लिया? नहीं वैसे मेरे जो है ना एक फ्रेंड है अभी कनाडा में ही है। फ्रेंड है आपका कनाडा में, क्या कर रहा है वो आजकल? वो भी स्टडी वीजे पे गया है ना। अच्छा, तो उनसे कहें कि आपके लिए कोई जॉब का कोई इंतजाम करे। अच्छा उधर से कोई बंदा कर सकता है जॉब का, तो मैं करता तो हूँ क्यों नहीं, बात उससे। वहीं से कोई करेगा। सही है।
ठीक है, अगर जॉब का हो जाए तो फिर आपसे बात करें, तो आप कुछ कर सकते हैं हमारे जी लिए, कुछ बता सकते जॉब हैं। नहीं बताना क्या, वो तो काफी काफी चीज अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। पहले आप जॉब का लेटर मेरे पास लेकर आए, जो असली जॉब कनाडा से असली जॉब है, उसके बाद ही कोई वीजा के एप्लीकेशन के बारे में बात करने का कोई फायदा है, अदरवाइज तो फिर खाली पीली टाइम वेस्ट करने वाली बातें हैं। ठीक है, हम आपसे करेंगे रास्ता इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़।